वैसे सच बताऊं तो मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरी सारी क्रिएटिविटी रात को ही जागती है। वो कहते हैं ना कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें उन्हें पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अपना भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी हिल स्टेशन में होता हूँ तो मैं वहाँ की सुबह कभी मिस नहीं करता। 302 में एक मिल्क टी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिरिक, वेस्ट बंगाल। सुबह के बजे अभी 7 और मौसम बहुत खुला खुला सा है। सुबह उठते ही मतलब सबसे पहले विंडो खोलो और बाहर आकर इन नज़ारों को एंजॉय करो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट तो बनते हैं लेने। हाँ जी, वहाँ पे रख दीजिए बाहर। वेदर अच्छा है ना, काफी खुल गया है जी। अभी उस तरफ का नहीं खुला है, कंचनजंगा जी। क्या नाम है आपका? सूरज थापा जी। चलो, थैंक यू सो मच। और इस जगह की एक बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को, सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो चिड़ियों की आवाजें आती हैं, अलग अलग ब्रीड की जो बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, तो बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आप समर वेकेशंस में अगर प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे आना जहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्ट, एक लग्जरी एटमॉस्फेयर मिले, साथ के साथ आप नेचर से भी कनेक्टेड रह सकते हो और वेदर जो बहुत ही प्लेजेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के सीज़न में ये जगह बहुत बहुत बेस्ट है आने के लिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आने का एक और बहुत अच्छा सीज़न है, अगर आप अक्टूबर नवंबर में आते हैं, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल खुला आसमान देखना चाहते हैं, कंचनजंगा माउंटेन रेंज देखना चाहते हैं, स्नो देखना चाहते हैं, तो उस समय आप आइए अक्टूबर नवंबर में, आपको बहुत क्लियर व्यू दिखेगा। मतलब उस समय फॉग वगैरह इतना नहीं रहता है, लेकिन मौसम ठंडा होता है पर खुला मौसम होता है। ऐसा सिक्किम में भी बोलते हैं, अगर आप सिक्किम में जाना है तो अक्टूबर नवंबर सबसे बेस्ट सीज़न है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने वेस्ट सिक्किम एक्सप्लोर किया था, तो नॉर्थ सिक्किम जब जाना होगा ना तो अक्टूबर नवंबर का ही सबसे बेस्ट समय होता है, वही मैं चूज़ करूँगा। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि पहले तो रेडी हो जाते हैं फटाफट, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे मिरिक को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर कुछ स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो उन्हें चलकर हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, बहुत मजा आएगा आपको भी। बाकी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड बाकी बातें हम करेंगे। हेलो गाइस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो ट्रैवलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा इंपैक्ट मेरे बालों पर पड़ता है, मेरे बाल बहुत डैमेज होते हैं और बहुत बार हेयर फॉल का भी सामना करना पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से मैं हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बी ब्लेंड की ये हेयर फॉल कंट्रोल रेंज को यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें आते हैं 3 ये बहुत ऑसम से प्रोडक्ट। ये है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, ये है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर, और ये है हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक। बी ब्लेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड, तो ये 93% तक आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पी प्रोटीन और कैफीन। कैफीन आपके बालों को नरिश करता है और जड़ों से मजबूत बनाता है, और पी प्रोटीन इज अ पावर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन, तो ये जो आपके डैमेज बाल होते हैं ना उनको बहुत जल्दी रिपेयर करता है और बहुत ज्यादा शाइनी बनाता है। बाकी सारे प्रोडक्ट SLS और पैराबेन फ्री हैं, मतलब नो केमिकल, तो इसके यूज से आपके बालों को किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं होगा, और अगर आप इनको सही तरीके से यूज़ करते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू को लगाना है बालों में और धीरे धीरे मसाज करते हुए इसे वॉश कर लेना है, उसके बाद हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर को यूज़ करना है बालों में, 3 मिनट तक इसे रखना है, धीरे धीरे मसाज करनी है, और उसके बाद पानी से अच्छे से इसे धो लेना है, और लास्ट में आपको लगाना है हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यार इसे दिन में कभी भी लगा सकते हो, मैं तो उसको 2 या 3 बार दिन में लगाता ही लगाता हूँ। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बड़ा फ्रेश फील होता है इसको लगाने के बाद। इसमें एक शाइनी टॉनिक है, तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बनाता है, और ये हेयर टॉनिक आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है बाई 60% इन 56 डेज, और वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। मैं पिछले कुछ 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी देखो हेयर टेस्ट करना है, मैं अपने बालों को ज़ोर से पकड़ता हूँ, ऐसे पकड़ के नोचता हूँ, हिलाता हूँ, लेकिन एक भी बाल हाथ में नहीं आता है, तो मजबूती देख सकते हो बालों की बढ़ गई है। और ये सारे प्रोडक्ट हेयर एक्सपर्ट ने डिज़ाइन करें, तो ये आपको देते हैं सैलून लाइक हेयर एट एन अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 399 ओनली। बाकी बी ब्लेंड की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब भी आप इनसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर दिया जाता है एक ऐसी वुमेन के साथ जिसे वो संभव फाउंडेशन के साथ मिलकर इम्पावर्ड बनाते हैं, एंड दे आर ऑन द मिशन टू इम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है और बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है।
तो जब सबको फायदा हो रहा है तो थोड़ा बहुत फायदा आप भी उठा लो। आपके स्क्रीन पे जो कूपन कोड आ रहा है प्रशांत 2023, अगर आप इसका यूज करते हैं बी ब्रांड की वेबसाइट पे जाकर तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका पर भी ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेक कर लेना। और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज गाइस एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं, तो मस्ट ट्राई। ठीक है, बाकी लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। चलो अभी हम लोग कैफेटेरिया में आए कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये है अंजुम, स्नेहल से तो आप मिले हो कल वाले वीडियो में, और ये है मिस्टर अंजुम। मिरिक के जो साइट सीन है, मिरिक के जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो हम भाई के साथ चल के एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले फ्रूट्स खाएंगे हम सुबह सुबह। जो अंजुम है बहुत अच्छे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा मतलब शूट और फिल्मिंग वगैरह भी करी हुई है। संदकपुर जिसकी बात हम कर रहे हैं वहाँ पर भी गए थे, वहाँ का भी उन्होंने ब्लॉग बनाया, तो मतलब अच्छा फिल्मिंग का भी बहुत शौक रखते हैं, तो इनसे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो समय बर्बाद नहीं करते हम लोग, फटाफट ब्रेकफास्ट करते जितनी जल्दी होता निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले हम? मोनेस्ट्री जा रहे हैं, बोकार मोनेस्ट्री जा रहे हैं हम। मिरिक की जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें से एक है बोकार मोनेस्ट्री। रिजॉर्ट से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही ये मोनेस्ट्री है, बहुत पास में ही है। ये ऊपर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, बेसिकली एक छोटा सा टेरेस टाइप का है। यहाँ पर देखो सारे छोटे छोटे लामा जी मौसम का मज़ा ले रहे हैं और कोई तो गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा गेम है। हेलो 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 हेलो, आप लोग स्टूडेंट्स हो? यस। क्या नाम है इस मॉनेस्ट्री का, नाम क्या है? जरा आराम से बोलो यार। क्या क्या क्या? बोकर निदिंग छोकरलिंग। आप लोग बौद्धिज्म पढ़ते हो यहाँ पे? क्या मतलब पढ़ाई होती है आपकी? तिब्बतन पढ़ाई होती है। क्या होता है स्कूल का टाइमिंग यहाँ पे? 3 बजे शुरू होता है। 3 बजे शुरू होता है पूजा, उसके बाद पढ़ाई होती है। सोते कितने बजे हो? सोते 9 बजे। 9 बजे सो जाते हो, उठते कितने बजे हो? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हो। और ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग, है क्या ये? पूल को फुटबॉल बना दिया तुमने। बोकर मॉनेस्ट्री एक एशियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और मिरिक का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी। बुद्धिज्म के इस इंस्टीट्यूट में करीब 500 मॉन्क्स रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये मॉनेस्ट्री मिरिक लेक से 1 किलोमीटर और मिरिक बस स्टॉप से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मॉनेस्ट्री के बैक साइड में जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा मिरिक टाउन और मिरिक लेक बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मॉनेस्ट्री हमने अंदर से देख ली, कुछ विजुअल्स भी कैप्चर करें यहाँ पे लोगों से परमिशन लेने के बाद, हमने कुछ एक दो शॉट निकाले आपको दिखाने के लिए। बाकी यहाँ की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल दार्जिलिंग की जैसी है। आप इतनी ऊंचाई पे खड़े हो, फॉग आपके सामने नीचे ऐसा हवा में तैरता हुआ दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली ऐसा कुछ होता है ना कि आपने अगर एक बार इसको घुमाया तो आपने एक मंत्र पढ़ लिया, ओम मणि पद्मे। इसके अंदर बहुत सारे मंत्र होते हैं, इसमें एक मंत्र नहीं, लाख लाख मंत्र है। ओम मणि पद्मे बहुत सारे लाख। अच्छा, और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही होता है ना कि एक बार घुमाने का मतलब आपने उतने सारे मंत्र पढ़ लिए। इसके अंदर जितना भी डाला है। तो हमने इतना पूरा चक्कर ले लिया तो हमने सारे मंत्र पढ़ लिए, हो गई आज की पूजा। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मिरिक लेक के पास, एक टेंपल है और लेक को भी देखने चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा लेक है मिरिक में। ठीक है, आइए। तो हमारे राइट हैंड साइड पे ये मिरिक लेक है और इसको सुमेंदु लेक भी बोलते हैं, यहाँ का जो लोकल नाम है, लोकल लोग हैं वो इस नाम से बुलाते हैं इस लेक को। ये है तो बहुत ब्यूटीफुल जगह, देखो पीछे ये लांबा फ्लैग्स लगे हुए और राइट हैंड साइड पे पूरा लेक का किनारा है। बोकर मॉनेस्ट्री से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है मिरिक लेक, जो कि मिरिक के टॉप मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। और क्योंकि ये खूबसूरत सा लेक दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाने वाले रास्ते में आता है, तो यहाँ कुछ देर रुककर आप बोटिंग कर सकते हैं और साथ के साथ यहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये हम आ गए जो मिरिक लेक है उसके व्यू पॉइंट पे, सामने ये आई लव मिरिक का एक मोमेंटम लगा हुआ है।
करीब 1.25 किलोमीटर लंबे इस मैन मेड लेक के बीचों बीच 80 फुट लंबा एक फुट ब्रिज भी है, और बादलों से घिरे इस ब्रिज पर वॉक करना सच में कमाल का एक्सपीरियंस होता है। ऐसा होता है यहाँ का मौसम। अभी हम लोग ऊपर थे तो कैसा खुला सा धूप निकली हुई थी, 10 सेकंड के अंदर एकदम से फॉग आया और सब धुंध हो गया। बहुत बहुत खूबसूरत दिख रहा है इस समय ये लेक। मेरे एक लेक के बिल्कुल पास में यहाँ से ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर है देवी स्थान। यहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनके बहुत सारे मंदिर और मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो अगर आप मेरे एक लेक तक आते हैं तो यहाँ पर भी एक बार ज़रूर आइए। ये हनुमान जी का मंदिर है और वो गणेश जी का। अच्छा, वो है गणेश जी का मंदिर और ये है दुर्गा माता का मंदिर और वो है हनुमान जी का मंदिर, और ऊपर जाएंगे तो भगवान शिव का मंदिर है पीला वाला। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश, क्या बात है। घूमने आए हो? दर्शन के लिए आए हो? मिरिक में रहते हो? बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। राइट हैंड साइड पे आपको मंदिर देखेंगे लाइन से बने हुए, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो पूरा फॉरेस्ट है और इन पेड़ों से फॉग छन कर आ रहा है। बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ऊपर से चिड़ियों की आवाज़ें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये हम आगे शिव जी के मंदिर में, पीछे शेषनाग की मूर्ति लगी हुई है। चलो दर्शन कर लिए हमने सारे मंदिरों के, अभी यहाँ से निकलते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ, कीप मेरिक क्लीन एंड ग्रीन, ये जो ये भाई साहब है हमारे लामा साहब, इन्होंने पिक्चर क्लिक किया ये। और फिर आपने किसको दिया? मानवता फाउंडेशन। मानवता फाउंडेशन को, बहुत ही अच्छी बात है। और अभी बातों बातों में भाई बता रहे थे कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं, इन्होंने कोई पिक्चर्स दिखाए बहुत ही कमाल के पिक्चर्स। आपका कुछ इंस्टाग्राम वगैरह है क्या? इंस्टाग्राम अकाउंट मैं इनका शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करना। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, कहाँ? हेलीपैड। हेलीपैड, हाँ, कॉटेजेस है वहाँ और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है और उसका रास्ता बहुत ही मैजिकल है। हाँ, लाइक टेक इट इजी वॉक, वी विल बी लाइक ट्रांसपोर्टेड टू अनदर टाइम। वाह, चलो हेलीपैड चलते हैं फिर। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मिरिक का मार्केट, इसको बोलते हैं कृष्णा नगर, राइट? राइट। ये कृष्णा नगर मार्केट है और कृष्णा नगर से ये जो आप देख रहे हैं रास्ता जा रहा है अमायरा रिजॉर्ट के लिए, ये रास्ता जाता है। यहाँ पर हमने गाड़ी पे ऐसे ही रोकी है, बहुत अच्छी सी लोकेशन मिल गई थी। पाइन ट्रीज यहाँ पर चारों तरफ दिख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा है जब मैं सिक्किम में गया था ना, तो सिक्किम में मैंने एक ट्रैक किया था रानी दुंगा, तो रास्ते में एक पैच पड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही लोकेशन थी वो। बड़े बड़े पाइन ट्रीज के जंगलों से होते हुए हम ट्रैक करने गए थे, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा वो रिलेट कर लेगा इस वाली लोकेशन से। अच्छा, स्नेहल जी को वैसे शायद कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा, लाइट जला दी जाए। लाइट नहीं है। बातों बातों में पता चला था, मुझे भी नहीं पता था। स्नेहल जी ने बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है एज एन एक्टर्स, कौन से थे जरा बता दीजिए वो? लास्ट था ससुराल सिमर का, कलर्स के लिए। अच्छा, और बहुत सारे, छोटी बहू, फजी टीवी, मनु में तेरी दुल्हन, जी टीवी के लिए, भास्कर भारती, सोनी के लिए, और काफी लंबी लिस्ट है। ओके, आते जाते रहते हो लेकिन आप मुंबई? हां 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 हां, ऑफ कोर्स, मुंबई तो बेस है, तो मुंबई दो महीना वहाँ दो महीना यहाँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ मुंबई में रहना जरूरी नहीं है, मुंबई से जुड़े रहना जरूरी है किसी भी तरीके से। बिल्कुल। तो अभी हम लोग आ गए हैं हेलीपैड के पास और वेदर देखो, फॉग फॉग है। अगर यहाँ पर वेदर खुला मिल गया ना तो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ से पूरे मिरिक का। ये जगह है भाई, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे। आह, जन्नत। ये है मिरिक का हेलीपैड, बहुत बहुत खूबसूरत। कुछ दिख नहीं रहा है, फॉग है, लेकिन जो वेदर है ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर आके आई थिंक ममता बनर्जी जब आती है ना, ऐसे ही है ना, जो हेलीकॉप्टर से फिर वो कॉटेज वगैरह वहाँ रहती थी पहले। अच्छा अच्छा, और हमारा भी रिजॉर्ट है तो देखेंगे। सुन लिया, अगर ममता जी आएंगी फिर आपके रिजॉर्ट में ही। प्लीज वेलकम। आपको पता है मैं दार्जिलिंग गया था, एक टी शॉप था, फिर मैं जिस सीट पे बैठा तो उन्होंने भी ये बोला कि यहाँ ममता दीदी आके बैठी थी, आप बड़े लकी हैं। देखा होगा तुम लोगों ने भी वाला ब्लॉग, ममता जी की सीट पे बैठे थे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे लोगों ने, पढ़े थे मैंने। पर ठीक है, चलो, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं बाहर निकाल देनी चाहिए। अभी फिलहाल हम कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे बैठ के। कॉफ़ी आ गई हमारी। कितना सुंदर हो जाता है ना ये, रेड होता
सुबह आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ योगा करते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ सुबह एक्टिविटी। यहाँ पर जैसे योगा कर रहे हैं और यहाँ से सामने आपको कंचनजंगा, आप आँख खोलेंगे और कंचनजंगा दिखेगा ऐसे। कंचनजंगा जो बोला ना मैम, अरे वाह छोटा सा, ये सर की कैंटीन है यहाँ पे। हमारी बात सुनते सुनते यहाँ पर आए, कहते हैं ये देखो ऐसा व्यू दिखता है कंचनजंगा का यहाँ से, जब वेदर खुला होता है तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो क्वेश्चन देख रहा है ये देखो, हमें यहाँ से तो कंचनजंगा दिख नहीं रहा, तो सब अपना अपना फोन ऑन करके दिखा रहे हैं मेरे को। ये स्नेहल और उनके हस्बैंड ने दोनों यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं सुबह सुबह, कंचनजंगा उनके पीछे है। हेलीपैड में कम से कम मैं आधा घंटा बिताया यहाँ पे, कॉफी वॉफी पी, और अभी फॉग बढ़ता जा रहा है तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे देखते हैं कि बाकी कौन कौन सी जगह हैं जो आज के दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे के अंदर। पर काफ़ी अच्छा दिन जा रहा है, ये अच्छी बात है। कौन सा वो सामने ऊपर है ना एकदम, वो सामने ट्री दिख रहे हैं, ट्री की कैसे आप बेल्ट टाइप की बनी हुई है और रास्ता बना हुआ है उसके बीच से, तो एक छोटा सा ट्रैक है वहाँ पे चढ़ के जाना है हमें। ओके, है तो काफी स्टीप, वहाँ से तो अच्छा लग रहा है जहाँ से पेड़ शुरू हो रहे हैं। चलो, ये फायदा हुआ लोकल्स के साथ घूमने में, ऐसी ऑफ बीट और अनटच्ड जगहों तक पहुँच जाते हैं हम। चले फिर अभी आइए, चलो भाई चलते हैं। यहाँ से पेड़ शुरू होंगे, पेड़ों के बीच से रास्ता बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। दोनों तरफ पेड़ है एकदम सेम हाइट के, बीच में ट्रैक बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। चलो फिलहाल ऊपर चलते हैं। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं इस पॉइंट पे, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरी ओपन वैली दिखती है, टी गार्डन दिख रहे हैं चारों तरफ, पूरा 360 व्यू है वो टी गार्डन का है, बहुत ही खूबसूरत चाय के बागान दिख रहे हैं ये। अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं और 2 बजे तक हमने काफी कुछ देख लिया मेरिक में, फटाफट ड्रोन फ्लाई करते हैं, कुछ अच्छे शॉट कैप्चर करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, इस जगह को बोलते हैं चैन धारा, धारा इज लाइक अ माउंटेन, सो चैन धारा। अब हमारे रिजॉर्ट के पास है रमिटे धारा, नेपाली भाषा में धारा का मतलब माउंटेन होता है और चैन क्योंकि यहाँ पर पाइन ट्रीज की एक चैन बनी हुई है तो इसलिए इस जगह का नाम है चैन धारा। चैन धारा मिरिक लेक और मिरिक टैक्सी स्टैंड से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर आप मिरिक आते हैं तो इस व्यू पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि सिर्फ 5 से 10 मिनट के इस आसान से ट्रैक को करके यहां से जो नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं वो वाकई में बहुत शानदार होते हैं। और यहां से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है टिंगलिंग व्यू पॉइंट, तो अगर आप भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठकर मिरिक को एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो यहां पर रुककर वैली व्यू के साथ साथ आप लंच भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट पे, पीछे आई लव मिरिक लिखा हुआ है और उसके नीचे ये है टी गार्डन। ये है पैराडाइज पॉइंट रेस्टोरेंट होटल, चलते हैं अंदर। नाइस, तो बहुत ही यूनिक है यार, टॉय ट्रेन जो होती है ना वैसा कुछ सेटअप बनाया हुआ है, टॉय ट्रेन है। तो आप बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर, टॉय ट्रेन का कंपार्टमेंट। चलिए भाई, कहाँ तक जाएगी ट्रेन यार? तो यहाँ पर ऐसे डिब्बे भी हैं ट्रेन के, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं और बाहर भी बैठने की जगह है, बाहर भी एक लॉन्च टाइप का है, छोटा सा एरिया है जहाँ पर आप बैठकर खा सकते हो। यहाँ बैठने का थोड़ा सा वो है कि ट्रेन के अंदर वाला फील आएगा और इधर से व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ बैठ के नज़ारों के साथ अपनी मील को एंजॉय कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए तो बहुत बहुत स्पॉट है यहाँ पे। क्या खाएंगे बताइए ना प्लीज़। देयर इज नूडल्स, इज फ्राइड राइस एंड देन ऑल दिस इज आल्सो देयर, बट यहां चाइनीज आई थिंक अच्छा होगा, बट फिर नूडल्स खा लेते हैं फिर। थैंक यू, अपना लंच कर लेते हैं उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं आपसे। आप एक पिक्चर ले लो, अच्छा था, इतना अच्छा दिख रहा है। साइट सीन करने के बाद फिर अभी रात हो गई है, तो फिर ये एक चीज़ थी जो आज हमें और एक्सप्लोर करनी थी यहाँ पर। बाहर बैठे हुए हम और अंजलि जी बना रही हैं हमारे लिए बारबेक्यू, वो देखो सामने, और हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है, तो मतलब बारबेक्यू का मज़ा अलग है। स्नेहल जी ने बोला था कि यहाँ पर आओगे तो ये एक्सपीरियंस भी आप एक बार करना ज़रूर बारबेक्यू वाला, तो ये भी इनके फार्म की एक USP है, मतलब रिजॉर्ट में अगर आप आते हैं। बिल्कुल, और एक्चुअली छोटा सा फॉरेस्ट है, ये पाइन ट्री का फॉरेस्ट है, दिन में आप नीचे जाके जो आप आज वहाँ चैन डारा में कर रहे थे यहाँ भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी वहाँ नीचे, बिकॉज पाइन ट्रीज है। चटनी यहाँ पे भी रख सकते हैं, बी केयरफुल,
आराम से, बस बस, थैंक यू। वाह क्या माहौल है, बोन फायर, बारबेक्यू और ये सीनिक ब्यूटी। इंटरेस्टिंग, दिस ऑल ऑर्गेनिक। थोड़े दिन में तो यहाँ ही पत्ता गोभी, फूल गोभी सब यहीं पर होने वाला है। इसी जगह पे, इसी जगह, वो बोर्ड के नीचे, यहीं से तोड़ो और बनाओ। ये है गोभी, फूल गोभी, बहुत अच्छा, थैंक यू। गरम गरम ही अच्छा लगेगा यहाँ तो। बहुत बढ़िया, गोभी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। टू गुड, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू। आलू रोस्ट किया हुआ है, हमारे असमी में बोलते हैं आलू बुरा। आलू बुरा असमी में? उसमें जो कोटिंग करी है ना आपने, वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी वाला फील आ रहा है। तो हम लोग अपने बारबेक्यू के थोड़े से मजे ले लेते हैं, अच्छे से इस चीज़ को थोड़ा और इन्जॉय करते हैं, इस मील को। बाकी यहाँ से निकल के मैं रूम में जाता हूँ, फिर वहाँ आपको बताऊँगा कि कल का क्या प्लान है हमारा। तो जो भी था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ये रिजॉर्ट में भी दो दिन हमारे बहुत अच्छे स्पेंड करे हमने। और अगर मिरिक में आकर आप लोग इस रिजॉर्ट में रुकना चाहते हो तो इसकी जो भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो कल का प्लान कुछ ऐसा है कि मिरिक के आसपास की कुछ जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसे कवर करेंगे, और कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन है उसे भी चलकर हम देखेंगे। उसके बाद जो प्लान है हमारा वो है भाई, वेस्ट बंगाल और नेपाल बॉर्डर के बीच में एक विलेज आता है जिसका नाम है संदकपू, और उसे लैंड रोवर विलेज भी कहते हैं। तो भाई वहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि वहाँ जाने के लिए आपको लैंड रोवर एज ए कैब बुक करनी पड़ेगी, और उसी में बैठ कर आप ऊपर जा सकते हैं उस विलेज को देखने के लिए। और जितनी भी लैंड रोवर हैं वहाँ पर, सब पुरानी वाली है, पुराने मॉडल की, अभी वाला मॉडल नहीं है। तो उसमें बैठकर आप जाते हैं, स्पेशली जब मुझे ये पता चला कि वो यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, तो मैं बहुत एक्साइट हो गया, क्योंकि उस विलेज के बारे में मैं 2-3 साल पहले से रिसर्च करी थी, कुछ मैंने वीडियोस देखे थे, तो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा था वो विलेज। तो ये मुझे पता नहीं था यहाँ के, पता चला कि यहाँ से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है मिरिक से, तो उसे मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। तो ये प्लान है हमारा आने वाले 1-2 दिन में, जो हम वीडियोस शूट करेंगे या जो ब्लॉग बनाएंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस ब्लॉग के साथ जस्टिस करें और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दें। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं भी अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सुबह से इतना ज़्यादा ट्रैवल कर करके, तो अब बस सोने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह कल दिन बहुत जल्दी शुरू करना है, कुछ 8 बजे के आसपास उठकर कल का दिन शुरू करना है, और बहुत सारी जगह जिन्हें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रा चैनल को सपोर्ट करो, लाल वाला बटन दबा कर जाओ। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।